नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं शमशाद काजमी चैनल टू की तरफ से। नाजरीन आज 6 दिसंबर बहुत ही दर्दनाक दिन है। आप जानते हैं कि 6 दिसंबर को अयोध्या की तारीखी बाबरी मस्जिद, जो 16वीं सदी की मस्जिद थी, उसे शरपसंदों ने मुनहदिम कर दिया था। यह आज 27वीं बरसी है जिसे मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, एक तरफ मुसलमान और दूसरे जो अम पसंद लोग हैं इसे यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं, और बाद दूसरे अफराद ऐसे भी थे जो शौर्य दिवस और यौम फतह के तौर पर मना रहे हैं। इस मौके पर हिंदुस्तान की मुख्तलिफ तंजीमों यानी सियासी, समाजी और हुकूक इंसानी के लिए काम करने वाली जो तंजीमें हैं वो सड़कों पर आईं। उन्होंने मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक पैदल मार्च किया, नारे लगाए, इंसाफ की दुहाई दी, इंसाफ के नारे लगाए और कहा कि बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करने वाले जो भी मुजरमीन हैं उन्हें सख्त सजाएं दी जाए। ये मार्च पुरअमन मार्च मंडी हाउस से जला और जंतर मंतर पर पहुंचकर ये अवामी जलसे में तब्दील हो गया। इस मार्च में जनाब तारिक जमाल साहब भी मौजूद थे। इस वक्त हमारे स्टूडियो में तारिक जमाल साहब मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, आप उस मार्च में मौजूद थे, मैंने आपको देखा, क्या एक एहसास कैसे थे लोगों में, मुजाहिरीन में क्या एहसास थे? मुजाहिरीन में जो एहसास थे वो बिल्कुल वाजे थे। वाजा ये था कि मुजाहिरीन ये कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो इंसाफ पर मबनी नहीं है। दूसरी बात जो कह रहे थे, जो मेन मकसद था आज के मुजाहरे का, बाबरी मस्जिद जो 6 दिसंबर 1992 को शहीद की गई थी, उनके जो मुजरमीन है उनको सजा कब दी जाएगी? तो कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है ये सारा काम जो मुजरिमाना फेल है, 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद तोड़ी गई, मुजरिमाना काम है, तो उन मुजरिमों को सजा कब मिलेगी? जी, और सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की तस्दीक की कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये साजिश अमल था, और बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले जो अपराध हैं उन्होंने एक जुर्म का इर्तकाब किया, उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में आप क्या कहेंगे कि आखिर, बहरहाल आप दरखास्त तो कर सकते हैं कि अदलिया जो है वो इस सिलसिले में अपनी कार्रवाई करे और जो मुजरमीन हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाए। ये तो अदलिया का मामला है, लेकिन जहां तक अभी हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में हम चीजों को देखते हैं बहुत ही मुतजाद चीजें आ रही हैं। अदलिया भी आजाद नहीं है। अदलिया का जो फैसला है कहता है कि सुप्रीम कोर्ट भी मासूम नहीं है, जो फैसला उसका इनवेरिएबल नहीं है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का सहारा लिया, और उस आर्टिकल 142 ये कहता है कि कोर्ट में जितनी बहस हुई उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ये भी कहना गलत है। आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कोर्ट अपना डिस्क्रेशन जब लेगा उस डिस्क्रेशन के तहत कोर्ट को जस्टिस देना पड़ेगा। यहां पे कोर्ट ने जस्टिस नहीं दिया। कोर्ट ने पहले कहा था कि मामला टाइटल सूट का है, फेथ का नहीं, आस्था का नहीं। जब आस्था का मामला नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला भी टाइटल पे देना चाहिए था। आर्टिकल 142 का डिस्क्रिप्शन को यूज किया, वहां भी उसको जस्टिस ही देना चाहिए था। यहां पर उसे जस्टिस नहीं दिया, इसका मतलब यह कहता है कि अदलिया ने अपना काम नहीं किया या अदलिया आजाद नहीं। हम ये चाहेंगे कि उससे पहले चीफ जस्टिस होता, रिजाइन कर जाता, इस्तीफा दे देता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाजे कर दिया कि बाबरी मस्जिद जो है, बहरहाल जिक्र हो चुका कि उसे
मंदिर को तोड़कर उसमें तो साफ साफ फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि 1528 में मीर बाकी ने जो मस्जिद बनाई थी वो मस्जिद जो थी वो खाली जमीन बनाई गई थी। उसके अलावा एएसआई की रिपोर्ट है वो कहता है कि 12वीं सदी से लेके 16वीं सदी तक वो जमीन खाली थी। बहरहाल तारिक साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि एक तरफ जहां ये बातें कही, इस तरह की बातें कही कि मस्जिद जो है वो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई और वगैरह वगैरह, और जो मस्जिद का जो इंहजाम हुआ वो एक मुजरमाना साजिशी अमल था, लेकिन उसके बाद बावजूद ये केस राम मंदिर के हक में खत्म हो गया जो बहुत दिनों से चल रहा था। अभी इस पर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि बहरहाल कुछ तंजीमें हैं जिनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या जमीयत उलमाए हिंद है, इन्होंने रिव्यू पिटीशन दिया है, तो ये आगे का मसला है। अदालत ने ये कह दिया कि ये राम मंदिर के लिए है ये जमीन, उन्हें उनके हवाले कर दिया। अब यहां पर सूरत ये हाल ये है कि आगे की हिकमत अमली मुसलमानों की या दूसरे जो न्याय प्रिय लोग हैं, जो अम पसंद हो गए, आज के मुजाहरे में आपने देखा होगा कि सिर्फ मुसलमान नहीं थे, इसमें दूसरे मजाहिर के भी लोग थे, ऐसे लोग थे जो अम पसंद हैं, जो मुल्क में अम चाहते हैं, जिनका जो ये तसव्वुर कर रहे हैं, जो यकीन है जिनका कि यहां जो कुछ हुआ था बाबरी मस्जिद के सिलसिले में 6 दिसंबर को वो गलत हुआ था, वो इंसानियत के खिलाफ था, बिल्कुल अखलाकियात के खिलाफ था बिल्कुल। तो इन सब सब बातों पर कि अब ये आगे हिकमत अमली मुसलमानों की क्या होगी, किस तरह से मुसलमानों की जो हिकमत अमली है मुसलमान उसको अपना रहे हैं। जैसे सबरीमाला मंदिर के वाक़े में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें गवर्नमेंट ये बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहे कि आस्थे पे कोई सवाल न करे, और उस फैसले को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसको उसका रिव्यू पिटीशन आया 5 रुपये बेंच के बजाय 7 रुपये बेंच भेजा जा रहा है उसको। हाँ। तो आज हमारा जो फैसला आया है वो हकीकत को नजरअंदाज करके आस्था पे दिया गया है। तो आज हमारा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हकायक की बुनियाद पर एविडेंसेस के बुनियाद, कल हमारा होम मिनिस्टर बोल रहा था कि आस्था में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, आज हमारी हकीकत में क्यों छेड़छाड़ हो रही है? तो हकीकत में अगर हम रिव्यू पिटीशन करने के लिए जा रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि आप देशद्रोही हैं, ये तो हमारा आईनी हक है, रिव्यूशन देता है हमें, रिव्यू पिटीशन जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि गए हैं जिससे सबरीमाला मंदिर में 5 रुपये के 7 रुपये पठाई गई है, इसी में पठाई जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, ये जो कहा गया कि एक तरफ तो मस्जिद ने, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के राम मंदिर के हक में फैसला सुना दिया और वो हो गया, लेकिन अब यहां पर इसी मुजाहरे में मैंने कुछ बहुत से लोगों को ये कहते सुना, ऐसे नारे भी लग रहे थे कि मस्जिद हम वही बनाएंगे चाहे इसके लिए मुझे 1000 साल इंतजार क्यों ना करना पड़े। मेरा कहना बिल्कुल सही है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसमें वाकिफ को भी इख्तियार नहीं है उसको बेच सके। मस्जिद जहां पे बन जाती है 33 साल मंदिर मस्जिद ही होती है, मुसलमानों को भी इख्तियार नहीं है वो जमीन किसी को दे दे। मुसलमान यहां पे बसते हैं, रहते हैं, उनका आईनी हक है, उनको वो जमीन, वो सुप्रीम कोर्ट में जमीन के लिए नहीं गए थे या मस्जिद के लिए नहीं गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के लिए गए थे। इंसाफ का यहां खून हुआ है, मस्जिद और मंदिर से बालातर होके आप सोचे कि इंसाफ किसके हक में गया? इंसाफ हिंदुस्तान के हक में नहीं हुआ, मुसलमानों को छोड़ दी, ये इंसाफ हिंदुस्तान के हक में नहीं हुआ है। बहरहाल मुसलमान तंजीमों ने, मुसलमानों ने पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हम उसे तस्लीम करेंगे, और मुसलमानों ने तस्लीम किया है। बहुत एक बाद ऐसे अफराद हैं, तंजीमें हैं जिन्होंने तस्लीम किया है, लेकिन कुछ ऐसी तंजीमें हैं जिन्होंने अपना आईनी हक, अपने आईनी हक का इस्तेमाल किया है और रिव्यू पिटीशन किया है, गए हैं, ये भी एक इख्तियार हासिल है। अब ये देखना है कि आगे क्या होता है। बहरहाल चैनल ट्रू हमेशा हक का तरफदार रहा है, रहेगा, और हम ये चाहते हैं कि आगे जो भी हो वो मुल्क और कौम के मफाद में हो, सभी एक साथ मिलकर इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आगे आएं और इस मुल्क को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। शुक्रिया।